बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतु मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। वीयर्स वेलकम टू स्टडी हब। आवर टुडेज टॉपिक इज़ रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। वीयर्स इन टुडेज वीडियो आई विल डिस्कस विद यू द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, हाउ वी एनालाइज बैलेंस ऑफ पेमेंट, what are the usage of balance of payments and objectives and purpose of balance of payments। viewers aaj ki video mein hum discuss karenge balance of payments ko, concept iska samajhne ki koshish karenge ki balance of payment hote kya hai aur balance of payment ko kyun jo hai term use kiya jata hai usko analyze karne ki koshish karenge। to start karte hain video ko। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि फ्यूचर से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी टाइमली आप तक पहुँच सकें। विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक विच इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स BOP इज़ द मैथड कंट्रीज यूज टू मोनीटर ऑल इंटरनेशनल मोनिट्री ट्रांजेक्शन्स एट अ स्पेसिफिक पीरियड। Usually, the balance of payments is calculated every quarter and every calendar year. Viewers, after reading the definition of balance of payment, we can understand that balance of payment is the method countries use to monitor all international monetary transactions at a specific period. Viewers, balance of payment वो method है जो countries use करती हैं ताकि वो मॉनिटर कर सकें अपनी तमाम की तमाम इंटरनेशनल मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को किसी एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम के लिए। और ये स्पेसिफिक पीरियड टाइम क्वार्टरली भी हो सकता है, और यूजुअली ये जो है एक कैलेंडर ईयर होता है, एक फिस्कल ईयर होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कंट्रीज़ मॉनिटर करती हैं अपनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को। वियर्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को अगर देखा जाए कि जब किसी भी कंट्री के जो रेजिडेंट्स होते हैं, किसी भी कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं, उनकी तमाम की तमाम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को जब रिकॉर्ड किया जाता है कि वो कितनी जो कमोडिटीज़ हैं उनको एक्सपोर्ट हो रही हैं, और या कितनी जो हैं गुड्स और प्रोडक्ट्स जो हैं इंपोर्ट्स हो रही हैं, और इसमें गुड्स प्रोडक्ट्स सर्विसेज तमाम चीज़ें शामिल हैं, तो उन तमाम को जो एनालाइज़ किया जाता है इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। कि किसी भी कंट्री के जो उसमें रेजिडेंट्स हैं, जो उसके सिटीजन्स हैं, वो एक्सपोर्ट्स कितनी कर रहे हैं और इंपोर्ट कितनी कर रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिकॉर्ड को देखा जाता है, इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। व्यूअर्स, फर्दर आगे चल के हम वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऑल ट्रेड्स कंडक्टेड बाई बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स आर अकाउंटेड फॉर इन दी BOP टू डिटरमाइन हाउ मच मनी इज़ गोइंग इन एंड आउट ऑफ ए कंट्री। इफ़ अ कंट्री हैज़ रिसीव्ड मनी, this is known as a credit, and if a country has paid or given money, the transaction is counted as a debit. Viewers, all trade is conducted by both the private and public sector. ke private sector bhi aur public sector bhi jo hai apni trades ko conduct karta hai, balance of payments ko determine karte hain ki how much money is going in, ki kitni jo money hai, kitna jo paisa hai वो बाहर से हमारे कंट्री में आ रहा है, और कितना जो है हमारे मुल्क से किसी और मुल्क में जा रहा है। इसको दूसरी टर्म में हम कहते हैं कि इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, के हम जब चीज़ें एक्सपोर्ट्स करते हैं तो बाहर से पैसा हमारी कंट्री में आता है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो अपना ही पैसा जो है वो हम बाहर दूसरी कंट्रीज़ को दे रहे होते हैं, जिन कंट्रीज से हम चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। सो इफ़ अ कंट्री हैज़ रिसीव्ड मनी, दिस इज़ नोन एज अ क्रेडिट, and if a country has paid or given money, the transaction is counted as a debit. so viewers, agar country money receive kar rahi hai to isko hum credit kahenge, aur agar country jo hai given kar rahi hai money ko, paid kar rahi hai, to transaction is counted as a debit. balance of payment theoretically, the balance of payment should be zero, meaning that assets, credits and liabilities, debits should be balanced, but in practice this is rarely the case. thus the balance of payment can tell the observers if a country has a deficit or a surplus, and from which part of the economy the discrepancies are stemming. viewers, theoretically jo balance of payment ko hona chahiye wo zero hona chahiye,
तमाम जो डेबिट्स हैं उनको इक्वल होना चाहिए क्रेडिट्स के, जीरो बैलेंस होना चाहिए हमारे पास। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस होगा कि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो होंगी जीरो होंगी। डिफरेंट जो हमारे पास केसेस होते हैं कि कभी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होता है और कभी जो सरप्लस में होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को, तो इनको हम देख लेते हैं कि व्यूअर्स के कब हमारे पास जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होगा और कब हमारे पास जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है सरप्लस में होंगे। व्यूअर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस मीन्स एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इम्पोर्ट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब सरप्लस होंगी इसका मतलब ये है कि जो हम हमारी कंट्री जो एक्सपोर्ट्स कर रही है वो इम्पोर्ट करने से ज़्यादा हैं, कि जितनी हम गुड्स और सर्विसेज को इम्पोर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास सरप्लस आएगा। ऑन दी अदर हैंड बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मीन्स दैट इम्पोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स, कि हम जो बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में कमोडिटी गुड्स प्रोडक्ट सर्विसेज को मंगवा रहे हैं इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और हमारी एक्सपोर्ट जो हैं कम हो रही हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का हमारे पास ईयर्स डेफिसिट आएगा। नेक्स्ट व्यूअर्स हम डिस्कस करेंगे टेक अवेज जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स से होंगे उनको हम देख लेते हैं। व्यूअर्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बीओपी इज़ द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसा कि हमने अर्लियर डिस्कस किया था कि एक रिकॉर्ड है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स का किसी भी कंट्री के रेजिडेंट्स का, जो कंट्री में एक सिटीजन्स रहते हैं कि वो कितनी ट्रांजैक्शंस करते हैं इंटरनेशनली, कितनी इंपोर्ट्स करते हैं और कितनी एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो ये हमें जो है एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मिलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से, जिसको हम एनालाइज करते हैं। अगर हमारे जो एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो विच मीन्स कि हमारी जीडीपी जो है वो ग्रो कर रही है और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारा जो सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी इंडस्ट्री जो है ग्रो कर रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो ग्रो कर रही है, जीडीपी ओवरऑल ग्रोथ कर रही है और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जब हमारी कंट्री जो है इंपोर्ट्स ज़्यादा कर रही है तो इट्स मीन कि जीडीपी हमारी जो है वो श्रिंक कर रही है, जीडीपी हमारी जो है वो उसमें ग्रोथ नहीं है और हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी इतना कैपेबल नहीं है कि वो एक्सपोर्ट कर सके चीज़ों को, तभी हम अपनी कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें हमारी जीडीपी जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही होती। सो व्यूअर्स नेक्स्ट हमारे पास है देयर आर थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स द करंट अकाउंट द कैपिटल अकाउंट एंड द फाइनेंशियल अकाउंट। तीन मेन कैटेगरीज हैं व्यूअर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हमारे पास आता है द करंट अकाउंट इज़ यूज टू मार्क द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू अ कंट्री। व्यूअर्स करंट अकाउंट में जो हम मार्क करते हैं कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं कंट्री की कि वो एक्सपोर्ट्स कितनी कर रही हैं और कंट्री इम्पोर्ट कितनी कर रही है, इनका मार्कअप जो है हम करंट अकाउंट में करते हैं कि कंट्री में टोटली कितनी जो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जा रहा है उनका आउटफ्लो कितना है और इनफ्लो कितना है, कितनी इंपोर्ट्स हो रही हैं, तो करंट अकाउंट में हम इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल अकाउंट। द कैपिटल अकाउंट इज़ वेयर ऑल इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांसफ़र्स आर रिकॉर्डेड। कैपिटल अकाउंट में हम अपने तमाम जो है इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांसफ़र्स को रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल ट्रांसफ़र्स व्यूअर्स कंसिस्ट करते हैं आपके इन्वॉल्व करते हैं कि वो तमाम ओनरशिप ऑफ जो हम फिक्स एसेट्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं उसमें इनको रिकॉर्ड किया जाता है कि एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर हम कोई एसेट्स को एक्वायर कर रहे हैं ओन कर रहे हैं या उसको हम जो है डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं या तो किसी तो दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर रहे हैं तो इनको रिकॉर्ड किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंशियल अकाउंट। इन द फाइनेंशियल अकाउंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फ्लोज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस रियल स्टेट बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स आर डॉक्यूमेंटेड। फाइनेंशियल अकाउंट में व्यूअर्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फ्लोज जो हैं वो रिलेट करते हैं इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस रियल स्टेट बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स को, इसको हम डिस्कस करते हैं और इनको डॉक्यूमेंट करते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंट से ये रिलेटेड करते हैं। द करंट अकाउंट शुड बी बैलेंस्ड वर्सेस द कंबाइंड कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स लीविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एट जीरो बट दिस रेयरली अकर्स। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को थियोरेटिकली जो है ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा ज़ीरो हो सके। कभी हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट्स में आते हैं और कभी जो है हमारे पास सरप्लस में आते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट में कब आता है और सरप्लस में कब आता है। व्यूअर्स ये थी आज की हमारी वीडियो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। होप सो कि व्यूअर्स आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। आज की वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए कंसेप्ट के साथ एक नई
इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो के साथ आपके साथ चैनल पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर की लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर फ़ी अमानिल्लाह।